इंडिया ने न्यूजीलैंड में अपनी पहली T20 सीरीज जीत ली है। ऐसा रोमांचक मैच रोज रोज नहीं होता। सुपर ओवर में इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया, एक हारी बाजी जीती। लास्ट चार बॉल्स पर 2 रन चाहिए थे न्यूजीलैंड को जीतने के लिए, और वहां से वापसी करी इंडिया ने। शमी ने विलियमसन को आउट किया, लास्ट गेंद पर 1 रन चाहिए था, टेलर को आउट किया और मैच को सुपर ओवर में ले गए। बुमराह के सुपर ओवर में 17 रन लगाए केन विलियमसन और गप्टिल ने, जो कि काफी अच्छा स्कोर था। इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और केएल राहुल उतरे और सामने थे टिम साउदी। लास्ट 2 बॉल में 10 रन चाहिए थे और रोहित शर्मा ने जड़ दिए 2 छक्के, और इसी के साथ इंडिया ने न्यूजीलैंड में अपनी पहली T20 सीरीज जीत ली। केन विलियमसन की ग्रेट नॉक वेस्ट गई, सुपर ओवर में भी उन्होंने अपना काम कर दिया था। क्या पारी खेली केन विलियमसन ने, बुमराह, शमी, जडेजा, चहल ऐसे बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा दी, एक तरफ से खड़े रहे और मैच को ऑलमोस्ट निकाल ही दिया था। अब आपकी टीम 4 गेंद पर 2 रन ना बना सके तो क्या कर सकते हैं। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और इंडिया को पहले बल्लेबाजी का मौका दिया। रोहित शर्मा और केएल राहुल ने काफी अच्छी शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 89 रन जोड़े। रोहित ने ताबड़तोड़ 40 गेंदों पर 65 रन की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने हैमिश बेनेट के एक ओवर में 26 रन लगाए। जहां एक बार लग रहा था कि इंडिया 200 रन आसानी से कर लेगा, वहीं राहुल और रोहित के आउट होते ही रनों पर लगाम लग गई। विराट कोहली ने 27 गेंदों पर 38 रन बनाए और इंडिया 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 179 रन ही बना सका। न्यूजीलैंड की तरफ से हैमिश बेनेट ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए पर 54 रन भी दिए। 180 चेज करने के लिए उतरी न्यूजीलैंड ने भी अच्छी शुरुआत की और मार्टिन गप्टिल ने 21 गेंदों पर 31 रन बनाए। पर मैच की सबसे जबरदस्त पारी केन विलियमसन ने खेली, 48 गेंदों पर 95 रन बनाए, बुमराह की धुनाई की पर अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। न्यूजीलैंड 20 ओवर में 179 ही बना सका, जिससे मैच सुपर ओवर में गया और आगे का हाल आपको पता ही है। मैच के हीरो रोहित शर्मा रहे, उन्होंने सुपर ओवर में लास्ट 2 गेंदों पर छक्के मारकर इंडिया को जिताया, 65 रन किए फुल मैच में और 15 रन किए सुपर ओवर में। तो दोस्तों मजा ही आ गया, क्रिकेट है कि चौंकाने और थ्रिल करने से चूकता ही नहीं। अपने विचार कमेंट सेक्शन में व्यक्त करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।